और उनका साकार रूप ही है, जैसे हनुमान जी स्वयं है वैसे उनका रूप ही है यहाँ पे। बाकी सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी भी है, नीचे धुना भी है गुरु गोरखनाथ जी का। अच्छा। और शनिदेव महाराज जी का मंदिर भी है, जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ शनिदेव महाराज जी अपने आप आ जाते हैं। अच्छा। ये रास्ता है, बहुत ही केयरफुली हमें नीचे जाना होगा, क्योंकि एक भी स्लिप हुआ तो आप सीधे धड़ाम से नीचे हैं, उधर पानी है। तो गाइस बहुत ही ऊपर मंदिर है, रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत बेकार रास्ता है। हम बिल्कुल नीचे आ गए हैं, आप देख भी रहोगे बिल्कुल साफ पानी है, बहुत ही नीचे आ गए हैं। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो पानी का फ्लो है ना वो भी रोका गया है, क्योंकि आप देख भी रहोगे बहुत गहराई है, अगर पानी का फ्लो छोड़ देते हैं तो मेरे ख्याल से सभी डूब जाएंगे हम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आज हम आए हैं कोटद्वार देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर से। लास्ट टाइम हम हरिद्वार गए थे। यार ये जो जगह है ना, इसका एक अलग महत्व है। अगर मैं आपको इस जगह के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि ये एक 150 साल पुराना सिद्धबली का मंदिर है, हमारे बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर है। और आपकी कोई ऐसी मनोकामना है ना जो कभी आपकी पूरी नहीं हो रही, वो यहाँ पर आके आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। मतलब भाई यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर। और आप जैसे पीछे देख रहे होंगे ना, यहाँ ये जो पीछे देख रहे होंगे, तो अभी तो खैर पानी कम है, तो इसको इस नदी को कहते हैं खो नदी कहते हैं इसको। और जैसे कि मैं आपको आगे आने वाले ड्यूरेशन में बताऊंगा कि इस सिद्धबली मंदिर का इतना महत्व कैसे पड़ा, ऐसा क्या हुआ था यहाँ पर कि जो इतना टाइम इतने दूर से लोग आते हैं यहाँ पर समय बिताते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेता है। मंदिर का एंट्रेंस है, कुछ 150-200 सीढ़ियाँ होंगी, उनको चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। और हमें फिर हमारे बजरंगबली जो हमारे सिद्धबली हैं उनको देखने का मौका मिलेगा। व्यू ना, व्यू बहुत अच्छा है अपना। और मैं जैसे कि बता ही रहा था आपको, यहाँ का जो महत्व है ना वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ का महत्व अलग है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, जय बजरंगबली। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर देवभूमि उत्तराखंड में। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, आज हम आए हैं देवभूमि उत्तराखंड में, कोटद्वार में आए हैं। लास्ट टाइम हम कहाँ गए थे, हम हरिद्वार गए थे। तो जैसे कि आपको पता भी था, मैं पॉडकास्ट करने गया था हरिद्वार। जो जिस जगह पर मैं आज आया हूँ ना, इस जगह का एक अलग महत्व है। मतलब यार, एक 150 साल पुराना मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि उनका, हम 150-200 सीढ़ी लगभग चढ़कर ऊपर आए हैं। और ये ना खो नदी के ऊपर है, जैसे कि आप इधर, मैं आपको दिखाऊंगा कि इधर खो नदी है, बिल्कुल खो नदी के ऊपर है। यहाँ पर ना अभी खो नदी में पानी बहुत कम है। अभी लास्ट टाइम जब मैं आया था तो बहुत पानी था खो नदी में, बिल्कुल 40-50 मीटर की ऊँचाई पर ये हमारा मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको इस सिद्धपीठ के बारे में बताना चाहूँगा। तो आज हमारे साथ हैं जो वहाँ के सेवक हैं, जो पंडित जी हैं, उनसे जानेंगे उनकी बातें कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या हिस्ट्री रही है इस जो हमारे सिद्धबली महाराज हैं उनकी। तो आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ का क्या महत्व है। तो मेरे दोस्तों, वहाँ पर जो रोहित खंडेलवाल जी हैं, जो आप देख भी पा रहे होंगे, रोहित खंडेलवाल हैं वहाँ के पुजारी जी हैं, जिनसे मेरी वार्तालाप हुई थी।
लेकिन पीछे कीर्तन चल रहा था तो बहुत ज्यादा नॉइस आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज को समअप कर दूं, इस कॉन्वर्सेशन को समअप कर दूं। तो इन्होंने सिद्धबली मंदिर की मान्यता बताई थी। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में शिव का अवतार माने जाने वाले गुरु गोरखनाथ को इसी स्थान पर सिद्धि प्राप्त हुई थी, जिस कारण उन्हें सिद्ध बाबा भी कहा जाता है। गौरव पुराण के अनुसार गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ पवन पुत्र बजरंगबली की आज्ञा से त्रय राज्य की शासिका रानी मेनका के साथ ग्रस्त जीवन का सुख भोग रहे थे। जब गुरु गोरखनाथ को इस बात का पता चला तो वो अपने गुरु को त्रय राज्य के मुक्त कराने को चल पड़े। और ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी ने यही दिया था गुरु जो गोरखनाथ हैं उनको दर्शन, इसी स्थान पर बजरंगबली ने रूप बदलकर गुरु गोरखनाथ का मार्ग रोक लिया था, जिसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब दोनों में से कोई पराजित नहीं हुआ तो हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आए और गुरु गोरखनाथ से वरदान मांगने को कहा, जिस पर उन्होंने हनुमान जी से यही रहने की प्रार्थना की थी। गुरु गोरखनाथ व हनुमान जी के कारण ही इस स्थान का नाम सिद्धबली पड़ा। तो ये कॉन्वर्सेशन थी जो मेरी हुई थी रोहित खंडेलवाल जी से। आप आगे वो बताते हो बिना परमिशन के गुरु गोरखनाथ जी आए। हाँ ठीक है, इसी लेवल में आपस में हो गया। अच्छा जब कोई नहीं जीत पाया तो उसके बाद दोनों को आपस में वचनबद्ध होना पड़ा। अच्छा तो वो दोनों स्वयं यहाँ पे पिंडी रूप में विराजमान है यहाँ पे। अच्छा पत्थर के रूप में उनको कहा जाता है स्वयंभू। तो वो जो ये स्थान है इनका, एक तरफ सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी है और एक तरफ बलि हनुमान जी है। आप अपने अंदर जाओ के दर्शन कर लेंगे। ऑरेंज कलर में दो पिंडियाँ हैं, तो वो पिंडियाँ यहाँ पे काफ़ी समय से करेक्ट नहीं जान पा रहा कि गुरुद्वारा पहले कुछ नहीं था। जो भी टाइम है उस समय ब्रिटिश सरकार का हुआ उस समय का बताया जाता है, उस समय का ये मंदिर जितना पुराना भाई इंडिया जो है अंग्रेज व्यक्ति द्वारा स्थापित करी गई। अच्छा यहाँ पर पहले अंग्रेजों का निवास हुआ करता था, उस अंग्रेज के सपने में आए थे गुरु गोरखनाथ जी। इंडिया है यहाँ पे मिली उनको, पर बाबा जी का दूसरा स्थान है यहाँ से दिखता है सिद्धू हुए गुरु गोरखनाथ जी, बलि हुए हनुमान जी। यहाँ पे मान्यता ये जो भी सच्ची मन से उसकी मुराद पूरी होती है। आपस में वचनबद्ध होके गए हैं, स्वयंभू रूप में अपने आप यहाँ पे विराजमान है पिंडी रूप में। हाँ और उनका साकार रूप ही है, जैसे हनुमान जी स्वयं है वैसे उनका रूप ही है यहाँ पे। बाकी सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी भी है, नीचे धुना भी है गुरु गोरखनाथ जी का। अच्छा। और शनिदेव महाराज जी का मंदिर भी है, जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ शनिदेव महाराज जी अपने आप आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, जहाँ हनुमान जी की पूजा होती है वहाँ उनके लिए हनुमान जी बने। बिल्कुल कल में हनुमान जी के साथ आपको शनिदेव महाराज जी को भी पूजना पड़े, इसलिए शनिदेव महाराज जी की भी क्या स्थिति यहाँ पे। और फिर गुरु गोरखनाथ जी का दोनों पंडित जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारी जो ये इनका महत्व है उनको मान्यता है, देश विदेश से लोग आते हैं। काफ़ी मान्यता है बाबा जी की, काफ़ी बाहर से आते लोग और कहते हैं काफ़ी साल से आते, काफ़ी समय से आते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप अपना जय श्री। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर सबकी मनोकामना पूरी होती हैं, तो ये वो चुन्नी आप देख रहे होंगे कि लोग यहाँ पर अपनी कामना मांगते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर बांधते हैं उस चुन्नी को, और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहाँ से वो चुन्नी खोलकर भगवान जी के जो चरण है वहाँ पे ये वहाँ पर समर्पित करते हैं। ये हमारे श्री सिद्धबली धाम कोटद्वार का मंदिर है जो 150-200 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर है स्थित है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो मंदिर है इसका भी एक दूसरा पार्ट है, दूसरा स्थान है सिद्धबली महाराज जी का। आप उधर देख रहे होंगे एक झंडा नज़र आ रहा होगा आपको, ये जो झंडा है ये वाला, यहाँ पर भी एक मंदिर है, पर जो रास्ता है वो बहुत उतार चढ़ाव का है, तो अभी एक रास्ता अच्छा बना नहीं है, एक अच्छा रास्ता है नहीं यहाँ पर। मैं बिल्कुल मंदिर पे खड़ा हूँ, ठीक है, और आप पीछे देख रहे होंगे पूरा कोटद्वार आपको यहाँ से दिख जाएगा, और बहुत ही ऊंचाई पे है मंदिर वाला। और मैं आपको ना पूरा ये मंदिर दिखाता हूँ एक बार। सारे श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर दर्शन करते हैं यहाँ पर, और ये यहाँ से आपको पूरा कोटद्वार दिख जाएगा पूरा। आप देख भी रहे होंगे कितनी ऊंचाई पर है मंदिर,
यहाँ पर ना थोड़ा कथा चल रही है, तो आपको हो सकता है कि पीछे से बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन व्यू के मज़े लो आप। रास्ता यार नीचे उतरने का है, ठीक है, अभी हम नीचे आएंगे, यहाँ से उतर के इधर आ जाएंगे, शनि देव जी का मंदिर है इधर। स्थान है जहाँ पर भंडारा होता है, और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि 2025 तक बुकिंग फिल है, कि अगर मैं आज भंडारा करवाना चाहूँ तो आज मेरे को मौका नहीं मिलेगा, 2-3 साल बाद मौका मिलेगा मेरे को। जैसे कि मैंने बताया कि 2025 तक वो बुकिंग है, देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर, और हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं, एक यहाँ पर ट्रैक बना रखा है इन्होंने। ट्रैक है जो हमें क्या करना है, अभी नीचे जाना है, तो हम इस रास्ते से नीचे जाएंगे। तो यार खो नदी है, ठीक है, हम नीचे जा रहे हैं, ये रास्ता है उसका। रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, एक प्रॉपर यहाँ पर रोड मैप नहीं है, लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानेंगे, नीचे जाएंगे। ये कुछ रास्ता इस प्रकार है, कान्हा जी हमारे, ये रास्ता है, बहुत ही केयरफुली हमें नीचे जाना होगा, क्योंकि एक भी स्लिप हुआ तो आप सीधे धड़ाम से नीचे हैं, उधर पानी है। तो गाइस बहुत ही ऊपर मंदिर है, रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत बेकार रास्ता है, हम बिल्कुल नीचे आ गए हैं, आप देख भी रहोगे, बिल्कुल साफ़ पानी है, बहुत ही नीचे आ गए हैं। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो पानी का फ्लो है ना, वो बहुत अभी रोका गया है, क्योंकि आप देख भी रहोगे बहुत गहराई है, अगर पानी का फ्लो छोड़ देते हैं तो मेरे ख्याल से सभी डूब जाएंगे हम, क्योंकि तो काफ़ी नीचे है, आप देख भी रहेंगे कितना पानी है, देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पर। तो इसी के साथ यार इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं, बाल भी बहुत बिगड़ चुके हैं, लेकिन ये ऐसी जगह है कि जहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, और मैं समझता हूँ कि जो भी यहाँ पर आता होगा सबको बहुत सुकून मिलता होगा। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है हमारे सिद्ध बलि भगवान जी की। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, एक नए ब्लॉग में, किसी और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तो सी या हैव अ गुड डे। आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो